सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू ऑल डूइंग गुड गाइज। और मेरे इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। तो गाइज, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GDS रिक्रूटमेंट 2023 के जो रिजल्ट है, यानी जो सेकेंड लिस्ट अभी आने वाली है, उससे रिलेटेड। तो गाइज, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट लास्ट तक आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना कट ऑफ सेकेंड लिस्ट में डाउन होगा, फर्स्ट डीवी में कितने लोगों को रिजेक्ट किया गया है, कितने बच्चों का जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट डीवी के अंतर्गत नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हो चुका है। तो इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि रिजल्ट का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो कब डिक्लेयर किया जा रहा है आप लोगों के बीच। तो गाइज, वीडियो के इन तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। सबको पता है कि GDS रिक्रूटमेंट 2023 का जो रिजल्ट था, यानी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट था, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसकी डेट थी 11 मार्च 2023 को। और उसके बाद जो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी, उसमें जितने सारे बच्चों ने जो फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, सब ने जा जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लिया है, जिसका डेट आपको 21 मार्च 2023 को उसकी लास्ट डेट दी गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो अंतिम डेट था वो उसको 5 दिन और बढ़ा के और फिर उसको 26/3/2023 तक कर दिया गया था। तो गाइज, अब ऐसा है कि जितने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 26/3/2023 के पहले हो चुका है, उनका तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब नेक्स्ट जो बच्चे बच गए हैं या रह गए हैं, उनको अब दोबारा से मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। और अब जो है, अब निकलेगी सेकंड मेरिट लिस्ट, जिसमें जितने भी बाकी बच्चे जिनका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ था, उनको मौका दिया जाएगा। तो गाइज, एक खुशखबरी की बात उन बच्चों के लिए है जो सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बहुत संशय बना हुआ था कि क्या होगा, कितने सीटें बचेंगी, कितने सीटों पर सेकेंड लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा। तो गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ना, उसमें 40,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसमें से आधे से भी कम संख्या में, यानी कि समझिए कि 40% के अप्रॉक्स बच्चों ने ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। और इसका रीज़न ये है, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, इसके वजह से कुछ बच्चे उसको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, कुछ जो थे वो इस जॉब को करना नहीं चाहते हैं, उनके पास अदर भी रीज़न हो सकता है, तो वो लोग नहीं आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुछ जो है वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो वो मिस कर गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी सबसे अधिक संख्या उन बच्चों की है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं। और वो बच्चे ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट, जो मैं लगातार हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होता है। तो जब बिहार में या कुछ और हिस्सों में जब बच्चे पकड़ाने लगे फर्जी सर्टिफिकेट वाले, तो उनके अंदर एक डर का माहौल बन गया। और आपने देखा ही होगा पिछले वीडियो में कि कैसे 11 बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है फर्जी सर्टिफिकेट वालों के बीच में, तो इस वजह से वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से डर रहे हैं। तो इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा संख्या पे सीटें जो हैं वो अभी वैकेंट रह गई हैं। तो जब सेकंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें बहुत सारे बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। और अगर बात करें कट ऑफ कितना डाउन जाएगा गाइज, तो देखिए कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ 1-2% डाउन जाने की संभावना है, और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ जस का तस जो अभी है उतने के अप्रोक्सी बचा रहेगा। जैसे मैं बात करूँ हरियाणा पंजाब की, हरियाणा पंजाब में कोविड में नंबर मिला हुआ है बच्चों को, और अभी भी वहाँ 100% वाले इंतजार कर रहे हैं। तो गाइज, ऐसे ऐसे स्टेट जहाँ पे कोविड में बच्चों को नंबर बहुत अधिक मिला हुआ है, उन सब स्टेट में जो कट ऑफ है लगभग फर्स्ट लिस्ट के बराबर ही रहेगा। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, बिहार के कुछ हिस्से ऐसे हो गए, या छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, वहाँ पे कट ऑफ 1-2% डाउन जाने के चांसेस है गाइस। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए और हमेशा अपडेट रहिए, अपने मेल को चेक करते रहिए, क्योंकि अगर एक बार आप अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे फिर आपको दोबारा किसी भी हाल में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप हमेशा अपने मेल को चेक करते रहें और उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट लिस्ट आएगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं उनका रिजल्ट हो। और अगर आपका रिजल्ट होता है तो जाइए बिल्कुल हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके रिजल्ट से हमें भी बहुत खुशी होती है। एक चीज़ और था कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो गाइज, सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। जितने भी लोग लगा रहे हैं ना, वो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और मैं भी अगर प्रिडिक्शन करूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कोई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है। उस पर लिखा गया है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा, उसको खुद आप देख लीजिएगा अपने आँखों से। लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो बहुत जल्द विद इन 10 और 15 डेज आप लोगों के बीच में आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे बाकी रह गए हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें गाइज, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें और सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें।
और रिजल्ट जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद खुशियाँ मनाइए और हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपको GDS रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो जाके आप इंस्टाग्राम पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ जाइए और वहाँ से आप मेरे से जो भी क्वेश्चंस है वो कर सकते हैं। आपको जितना अधिक से अधिक हो पाएगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाइए और हमसे बात कर लीजिए। और गाइज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ये है कि इस बार कितने मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो गाइज सबको पता है कि जो लास्ट मेरिट लिस्ट है वो 30 जून के पहले सारे लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, आप खुद जाके देख लीजिए कि वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जितने भी लिस्ट है वो लास्ट 30 जून तक ही आएंगे, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगा। उसके बाद हो सकता है कि वो सेकेंड शेड्यूल की तैयारी करें, सेकेंड शेड्यूल की वैकेंसी की तैयारी करें। तो जितना भी लिस्ट आने वाला है वो 30 जून के पहले ही आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं गाइज कि 30 जून 2023 के पहले लगभग 4 से 5 लिस्ट आपको देखने को मिल सकता है, और अगर 4 से 5 लिस्ट आ रहा है तो फिर कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस बनेंगे। तो गाइज बिल्कुल घबराए नहीं आप एंड तक, थोड़ा अगर आपका मार्क्स कम भी है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एंड तक जाके रिजल्ट का वेट कीजिएगा। मैं महादेव से यही प्रे करूँगा कि भाई जितने भी लोग हैं सबका रिजल्ट हो जाए, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, बाकी ऊपर वाले का क्या, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।